खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने आया था जो समस्याएं पिछली बार हुई, जिस तरह की बातें मैंने भी पार्लियामेंट में उठाई थी कि लड़कियों के मंगलसूत्र उतारे गए, उनके चूड़े उतारे गए, उनके दुपट्टे रखे गए, और इस बार ये पहला फैसला था दिल्ली कैबिनेट की बैठक में, एक तो सेंटर 50 किलोमीटर के रेडियस में होगा और दूसरी चीज की व्यवस्था को पूरी तौर पर दुरुस्त रखा जाएगा जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं तो इस सेंटर में आया हूँ, जिस तरीके से मोबाइल जैमर्स लगाए गए हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हर सेंट पेपर की हो रही है, डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया गया है, मैं तो बधाई देता हूँ पूरे प्रशासन को कि दो दिन के अंदर ना तो बच्चों को बसों में धक्के खाने पड़े, ना जाम लगे, ना उनके माँ बाप तंग हुए और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन पूरे प्रदेश में कंडक्ट हुए। अच्छा, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको लेकर कितना बात आगे बढ़ी और क्या क्या मुद्दे? ऑलरेडी कमेटी गठित हो चुकी, क्योंकि दो साथी उसके अंदर से कैबिनेट में आए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, एक MOS बने हैं, आगे उनकी बैठक करना तो उनका काम है। हमारी ओर से दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की म्यूचुअल चीज़ों पर ऑलरेडी काम हो चुका है, कल कैबिनेट की बैठक है, आप उसके बाद भी और निर्णय देखेंगे जो हरियाणा प्रदेश के आम जनता के पक्ष में। सर, पराली को किसानों पर और आरोप लग रहे हैं, किसान पराली जलाने, उधर प्रशासन पर मामले दर्ज कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या समाधान क्या है? हरियाणा प्रदेश में पराली के ऊपर केवल मात्र 6,700 केसेस डिटेक्ट हुए, जहाँ की पंजाब में 70,000 से ऊपर केसेस डिटेक्ट हुए। हमारे यहाँ तो रिडक्शन है, मगर गवर्नमेंट की ओर से आगे चाहे वो पाइलर्स हों, चाहे जीरो ड्रिलर्स हों, चाहे उन लोगों को पैसे देने की बात है 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो लोग पराली नहीं जला रहे, ये व्यवस्था बढ़ाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के भी कड़े निर्देश हैं, मगर पराली एक कारण नहीं है कि जो दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन पैदा कर कर बैठी, उस चीज़ के ऊपर हम सबको मिलकर सोच कर कोई कदम उठाने पड़ेंगे। और मैंने तो परसों हरियाणा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है पाली के अंदर, वहाँ भी वाइस चांसलर से आग्रह किया है कि आप देश की पहली यूनिवर्सिटी बनो जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज एक मैंडेटरी सब्जेक्ट हो हर स्टूडेंट के लिए। मैं तो सेंट्रल मिनिस्टर से भी बात करी और आप देखना हरियाणा के अंदर भी क्लाइमेट चेंज को करिकुलम में डलवाने का काम। मंत्रिमंडल का तो गठन हो गया, अब बोर्ड और निगम भी बसते हैं, उनको लेकर चीज़ें होते होते होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो अलायंस है ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे अलायंस की चिंता क्यों करते हैं, वो तो पराली के ऊपर भी बड़ी बात कर रहे थे। मैंने जब सदन में उनसे पूछा कि बताओ कहाँ जीरी परचेज नहीं हो रही, कहाँ आपको दुविधा आ रही है, तो आज तक उसका जवाब तो मेरे पास नहीं आया। तो केवल मात्र सोफे में बैठ के राजनीति नहीं होगी, जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। जनता आईना दिखा चुकी है, पूर्ण बहुमत माने बैठे थे, आज कहाँ है, मगर लोगों ने उनको विपक्ष में चुनकर मजबूती से भेजा है, 31 की उनके पास संख्या है, काम कर कर दिया है। एनहांसमेंट से कब राहत मिलेगी? जब आपको कोर्ट ऑर्डर देने बंद कर दें। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।